हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइम नंबर्स व्हाट आर प्राइम नंबर्स एज यू नो अ प्राइम नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय इट्स और वन ओके एज अ नंबर जो सिर्फ खुद पे जाता है यानी कि डिवाइडेड बाय इट्ल्फ एंड वन इट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स ओके दीज नंबर आज नोन एज प्राइम नंबर राइट जैसे वी नो दैट कि सेवन है जो ये प्राइम नंबर है क्योंकि सेवन किस टेबल पे आता है या तो वन वन से होगा या फिर सेवन से होगा और किस टेबल पे नहीं आता है वो किसी और का फैक्टर नहीं है ऐसे ही सेवनटीन ये भी नहीं है ऐसे ही फोर्टी वन दिस इज आल्सो जो किसी और नंबर पे नहीं आता ओके और वी कैन आल्सो से दैट दैट प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स

73, 79, 83, 89, and 97. Okay, so basically, there are 25. These are total. How many prime numbers? These are 20. If you will count, you will see these are total 25. प्राइम नंबर्स ओके सो देर आर ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर्स बिटवीन वन टू हंड्रेड ओके वन टू हंड्रेड के बीच में हमारे पास कितने प्राइम नंबर हैं ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर कौन से हैं ये वो नंबर्स हैं जिन जो जिनके एक्जैक्टली टू फैक्टर्स हैं एक वन और एक खुद जो नंबर है वो जैसे फाइव है अब फाइव या तो वन के टेबल पे आएगा या खुद के टेबल पे आएगा सेवन भी या तो वन के टेबल पे आएगा या खुद के टेबल पे आएगा इलेवन भी या वन पे आएगा या खुद पे आएगा किसी और टेबल पे वो नहीं है जो वो आते हैं ओके okay? किसी और कोई और फैक्टर नहीं है वन और इलेवन नंबर इल्फ के अलावा उनके पास कोई और फैक्टर नहीं होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन समटाइम्स दे आर्स एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑर्ड नंबर सपोज यू हैवि फोर्टी फोर इज अंबर ओके यू हैव टू राइट टू नंबर टू नंबर ओके और यहाँ पर हमें क्या लिखना है दो ऐसे नंबर लिखने हैं जो प्राइम नंबर हैं ऑर्ड प्राइम नंबर हैं और उनका सम कितना बनना चाहिए फोर्टी फोर अब आप जो पिछला हमने टेबल किया है उसमें देखो कि किस कोई भी ऐसे दो नंबर ऑड दो नंबर चूज करो जिनको अगर हम प्लस करते हैं तो उसका फोर्टी फोर होता है तो मैं चूज़ करती हूँ थर्टीन एंड थर्टी वन तो थर्टीन एंड थर्टी वन आर ऑड एंड प्राइम नंबर ऑड नंबर हमें पता है द नंबर द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू ओके वो नंबर जो टू के टेबल में नहीं आते हैं नॉट डिविजिबल बाय टू आर कंसिडर्ड एज ऑड नंबर्स ओके okay. और जो आप कह सकते हो जो ज़ीरो टू फोर सिक्स एट से एंड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं सिमिलरली एटीन को अगर हमने करना है तो एटीन को कैसे करेंगे हम सेवन प्लस इलेवन नाउ वी नो दैट सेवन इज़ प्राइम नंबर एज वेल एज ऑड नंबर एंड इलेवन इज़ प्राइम नंबर एज वेल एज ऑड नंबर ओके गिव थ्री पेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव थ्री पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज टू ओके गिव थ्री पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज टू तो ऐसे कोई भी पेयर बनाने हैं आपने जिनका डिफरेंस टू हो ठीक है अब हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जिनके जैसे अगर हम थ्री एंड फाइव लें इसका डिफरेंस क्या है टू है अगर हम फाइव एंड सेवन लें दे बोथ हर प्राइम नंबर इसका डिफरेंस क्या है टू है ठीक है इलेवन एंड थर्टीन लें इनका डिफरेंस क्या है टू लें सो दीज आर थ्री पेयर्स ओके okay. ये क्या है थ्री पेयर्स हैं ऐसे थ्री पेयर हैं प्राइम नंबर के जिनका डिफरेंस है वो क्या आता है टू आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सम टाइम इट इज आज राइट फाइव पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन ट्वेंटी इज डिविजिबल बाय फाइव ओके हमें ऐसे फाइव पेयर्स लिखने हैं जिसका सम है जो वो क्या होगा वो डिविजिबल बाय फाइव होगा जैसे कि अगर मैं लिखूं प्राइम नंबर टू भी प्राइम नंबर है थ्री भी प्राइम नंबर है इनका सम क्या बनता है फाइव ये फाइव के टेबल पे चला गया ऐसे ही टू और थर्टीन कितना बनता है फिफ्टीन ये भी टू के टेबल पे चला गया इलेवन प्लस नाइन कितना बनता है ट्वेंटी ये भी टू के टेबल पे चला गया सेवनटीन प्लस थ्री कितना बना ट्वेंटी ये भी चला गया और सेवन प्लस थर्टीन कितना बना ये हो चुका है सेवन प्लस थर्टीन ओके तो ये हमारे पास जो है चार प्राइम नंबर जो हैं उसके वो फैक्टर्स बन रहे हैं ठीक है कि हमारे पास हमने ऐसे पेयर्स लिखने हैं एक पेयर हो गया हमारा टू कॉमा थ्री दूसरा पेयर हो गया हमारे पास टू कॉमा थर्टीन तीसरा हो गया इलेवन कॉमा नाइन चौथा हो गया सेवनटीन कॉमा थ्री ओके और भी आप कोई देख लें फाइव के टेबल पे जैसे फिफ्टी नाइन प्लस इलेवन वो भी बन सकता है फिफ्टी नाइन प्लस इलेवन सिक्सटी वन प्लस नाइनटीन भी बन सकता है क्योंकि हमें पता है जो फाइव से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होते हैं फाइव से वो नंबर्स डिविजिबल होते हैं जिनके एंड में जीरो आता है या फाइव आता है ठीक है ओके नेक्स्ट इज वट आर कॉम्पोजिट नंबर्स वर कॉम्पोजिट नंबर्स ओके अ कॉम्पोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इन टीचर्स विच हैज फैक्टर्स अदर देन वन एंड इट्स सेल्फ ओके जैसे कि हमारे पास नंबर हैं फोर सिक्स एट नाइन है ना अगर हम फोर के फैक्टर्स निकाल लें तो फोर के फैक्टर्स क्या क्या हैं हमारे पास वन टू एंड फोर थ्री फैक्टर्स हैं यानी वन एंड फोर के अलावा वी ऑल्सो हैव वन फैक्टर विच इज़ टू ओके ऐसे ही अगर हम सिक्स के फैक्टर निकाल लें तो सिक्स के फैक्टर निकाल लें तो वन टू थ्री एंड सिक्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वन और सिक्स के अलावा हमारे पास टू एंड थ्री फैक्टर्स भी हैं तो जो इस तरह के जो uh, मतलब फैक्टर्स uh, जिसमें कि इस तरह के नंबर्स जिनके फैक्टर्स नंबर इट्सल्फ और वन के अलावा और भी फैक्टर्स हैं दैट नंबर्स आर नोन एज कॉम्पोजिट नंबर ओके इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैज़ फैक्टर्स अदर देन वन एंड इट्स ओके कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है राइट सेवन कंजटिव कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन हंड्रेड सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम अगर हमें ये बोला जाए कि आप लिखो सारे कंजेकेटिव नंबर्स लिखो अब आप आपके पास मैंने जो पीछे लिख के दिखाया टेबल वो तो है ही है अब उसमें हम कैसे कौन से नंबर हैं जो कंजटिव है और कॉम्पोजिट है अगर हम नाइन्टी से शुरू हों देखें कितने नंबर चाहिए थे सेवन कंजटिव अभी नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव एंड नाइन्टी सिक्स ओके सो दीज आर हाउ मैनीवन कंजेकटिव नंबर्स ओके जो प्राइम नहीं है ये कंजेकटिव नंबर्स हैं जो प्राइम नहीं है वन टू हंड्रेड के बीच में मतलब कि जो भी हमारे कंजेकटिव कॉम्पोजिट नंबर्स हैं तो नाइन्टी भी कॉम्पोजिट है नाइन्टी वन भी कॉम्पोजिट्स हैं कैसे चेक कर सकते हैं आप इनके सिंपली आप इसके फैक्टर्स निकालो एंड यू कैन सेवन ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स ये याद रखना है सारे एक्सेप्ट टू ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर Okay. Hope you like this video. If you like, please like, share, and comment over um, channel. Thank you so much.